हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 8th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ 8th क्लास एनसीईआरटी। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या देखते हैं हम कि जो लोग हैं वो भी किसी कंट्री का बहुत बड़ा रिसोर्स होते हैं। अब जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट सिर्फ तभी होती है जब हम लोग उनको यूज़फुल बनाते हैं। तो जो लोग हैं, लोगों की डिमांड्स और लोगों की जो एबिलिटीज़ है वो नेचुरल चीज़ों को एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर देती है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या हो गया? ह्यूमन रिसोर्स भी एक तरह का रिसोर्स ही हो गया है। जो हेल्दी, एजुकेटेड और मोटिवेटेड पीपल होते हैं वो रिसोर्सेस को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं। इवन के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक मिनिस्ट्री बना रखी है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ये जो मिनिस्ट्री थी ये बनी थी 1985 में। इसका एम क्या था? इसका एम था लोगों की स्किल को इम्प्रूव करना। तो लोगों की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1985 में। जो ह्यूमन रिसोर्स है वो जो बाकी के रिसोर्सेज है उनकी तरह ही है। जैसे दूसरे रिसोर्सेज है, जैसे हमने मिनरल रिसोर्सेज वगैरह पढ़े थे तो वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। इन द सेम वे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ये भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी जगह पे ज्यादा लोग रहते हैं, किसी जगह पे कम लोग रहते हैं। किसी जगह के लोगों का एजुकेशनल लेवल ज्यादा है, किसी का कम है। एज ग्रुप हर जगह अलग अलग है, सेक्स हर जगह अलग है। किसी जगह पे मेल ज्यादा है, किसी जगह पे फीमेल ज्यादा है। तो उनका जो नंबर है ह्यूमन रिसोर्सेज का वो भी चेंज होता रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो चेंज होती रहती है। यूजली जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती। जो नंबर है वो बढ़ता ही है। हाँ, कंट्री वाइज हो जाता है कई बार माइग्रेशन की वजह से जो नंबर है लोगों का कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट बढ़ती ही है। बहुत कम चांस है कम होने के। अभी तक तो कभी कम हुई नहीं है, बढ़ी ही है। आगे जाकर हम देखेंगे वर्ल्ड की पॉपुलेशन किस रेट पर बढ़ रही है। फिर एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और ये शुरू हुई थी 2015 में। इसका एम था हमारी कंट्री के 1 करोड़ इंडियन यूथ को स्किल प्रोवाइड करना। 2016 से 2020 के बीच में उनको ट्रेनिंग देना, इस अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देना सो दैट कि उनमें इम्प्लॉयबल स्किल्स जनरेट हो सके। तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थी ये बेसिकली यूथ को ट्रेनिंग देने के लिए बनाई गई थी। फिर बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? अब हमारे अर्थ का जो सरफेस है वहाँ पर जो लोग हैं वो, उनका जो पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का वो हर जगह पे अलग अलग है। ठीक है, कहीं पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कहीं पे कम लोग रह रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ल्ड की 30% लैंड एरियाज पे, जो 30% लैंड का, हम सिर्फ लैंड की बात कर रहे हैं, वाटर वाले पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं। जो वर्ल्ड का टोटल लैंड एरिया है, टोटल लैंड एरिया का जो 30% एरिया है, उस 30% एरिया में वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रह रही है। तो जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड की वो एक्सट्रीमली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे नहीं है कि लोग हर जगह पे सेम है। किसी जगह पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी जगह पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है। कुछ एरियाज है बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, कुछ एरियाज स्पार्सली पॉपुलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में इन्होंने दिखा रखा है, जो येलो वाले हैं वो एशिया में है, तो एशिया की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद ऑरेंज वाले आ गए यूरोप के, ये रहा ऑरेंज वाली रो, एशिया के नीचे ऑरेंज वाले, फिर ये यूरोप के आ गए, उसके नीचे ये पर्पल वाले हैं जो अफ्रीका के हैं, फिर ब्लू वाले आ गए जो कि सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन शो कर रहे हैं, रेड वाले जो है ये नॉर्थ अमेरिका की पॉपुलेशन शो कर रहे हैं, और फिर लास्ट में जो ग्रीन वाले हैं वो ओशियानिया की पॉपुलेशन शो कर रहे हैं। ओशियानिया में आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पैसिफिक आइलैंड्स, इसमें कुछ आ जाते हैं, राइट। तो अब जो क्राउडेड एरियाज है वो कौन से आ गए? साउथ
साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के आ गए, कुछ यूरोप के पार्ट्स आ गए, और नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पे जो एरियाज है थोड़े क्राउडेड है। उसके बाद अगर हम बात करें हाई लैटिट्यूड एरियाज की, या ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की, या हाई माउंटेन्स की, या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वाले एरियाज की, तो वहां पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं आगे जाकर हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमने यही देखना है कि कहाँ पे लोग ज्यादा है कहाँ पे कम है। ठीक है, कम लोग कहाँ पे है, जो हाई लैटिट्यूड एरियाज आ गए, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स वाले या माउंटेन एरियाज आ गए, या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वाले एरियाज है, वो बहुत ही वहां पे जो पॉपुलेशन है कम है। ज्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं, इक्वेटर के नॉर्थ वाली साइड पे, जहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में लोग ज्यादा रहते हैं, साउथ में कम पॉपुलेशन है। वर्ल्ड की जो 3/4 पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है, एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहती है। वर्ल्ड की 3/4 पॉपुलेशन दो कॉन्टिनेंट्स में रहती है। कौन से दो कॉन्टिनेंट्स है, एशिया एंड अफ्रीका। और जो वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन है वो 10 कंट्रीज में रहती है। तो 10 कंट्रीज कौन कौन सी है, ये नीचे दे रखी है। तो ये जो 10 कंट्रीज है ना, इनकी पॉपुलेशन भी 100 मिलियन से ज्यादा है। कंट्रीज की, हर एक कंट्रीज की पॉपुलेशन 100 मिलियन से ज्यादा है। 100 मिलियन कितने हो गए, लगभग 10 करोड़ हो गया। तो 10 करोड़ से पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसमें टॉप नंबर 1 पे आता है चाइना। चाइना की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ के आसपास है, 140 से थोड़ी सी कम है। फिर आता है इंडिया। इंडिया की ये जो पॉपुलेशन है 121 करोड़ दे रखी है, ये है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अभी इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ से ज्यादा है। फिर आ गया यूएसए तीसरे नंबर पे, फिर चौथे पे इंडोनेशिया, देन ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया एंड देन जापान। तो ये 10 कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है ये वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन को कवर कर रही है। राइट, फिर बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कि पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। और ये पर यूनिट एरिया कितना होता है, ये यूजली पर स्क्वायर किलोमीटर इसमें लिया जाता है। तो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते कैसे हैं, किसी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन को उस कंट्री के एरिया से डिवाइड करके पॉपुलेशन डेंसिटी को निकाला जाता है। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन डेंसिटी है 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जो साउथ सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है वहां की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाईएस्ट डेंसिटी है। उसके बाद फिर ईस्ट एशिया का पार्ट आ जाता है, देन फिर साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट आ जाता है। तो बेसिकली जो एशिया कॉन्टिनेंट है वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स की जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आ जाता है टोपोग्राफी। अब ज्यादातर जो लोग हैं वो प्लेन एरियाज में रहना प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू माउंटेन्स और प्लेट्यू रीजन्स। क्यों, क्योंकि जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे फार्मिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस जैसी एक्टिविटीज जो है वो सूटेबल रहती है प्लेन एरियाज में। तो इसीलिए लोग जो है वो प्लेन एरियाज में रहना प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो गंगा प्लेन्स है वो मोस्टली मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वर्ल्ड का। जबकि माउंटेन्स की अगर हम बात करें लाइक आंडीज हो गया, एल्प्स हो गया, हिमालयस हो गए, ये सारे के सारे ही स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज है, यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। फिर बात करते हैं क्लाइमेट की। एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में रहना कोई भी पसंद नहीं करता, किसी को भी एक्सट्रीम कंडीशंस में रहना पसंद नहीं है। तो इसीलिए जो लोग हैं वो जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स है उसको यूजली अवॉइड करते हैं, लाइक हॉट रीजन हो गए या फिर वेरी कोल्ड रीजन्स हो गए, लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन हो गए, रशिया का, कनाडा का, एंटार्क्टिका का। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। सहारा डेजर्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, और जो रशिया, कनाडा, एंटार्क्टिका का पोलर रीजन है वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ही कम है। फिर बात करते हैं सॉइल की। जो रीजन फर्टाइल सॉइल वाले होते हैं वहां पे लोग ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि फर्टाइल सॉइल एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। इसीलिए फर्टाइल
सॉइल वाले जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्रा के जो फर्टाइल प्लेन्स है वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा चाइना का हवांग हो एरिया हो गया, चंगजियांग एरिया हो गया, या इजिप्ट का नाइल वैली रिवर वाला एरिया हो गया, ये जो एरियाज़ है ये वर्ल्ड के कुछ डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। फिर बात करते हैं वाटर की, तो लोग ज़्यादा वहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं यहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल हो। तो वर्ल्ड की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है वो कौन से हैं? रिवर वैली वाले एरियाज़, जबकि जो डेजर्ट वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो रिवर वैली वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल है और डेजर्ट में पानी कम होता है, इसलिए वहाँ पे लोग भी कम रहना प्रेफर करते हैं। फिर आते हैं मिनरल्स, जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका की डायमंड माइंस हो गई, फिर जब ऑयल की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद जो मिडिल ईस्ट एशिया है, जो मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है, तो वहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी होने के बाद लोग जाकर सेटल होना शुरू कर दिया लोगों ने, क्योंकि जब ऑयल की डिस्कवरी हुई तो वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ, तो एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ तो लोगों ने वहाँ जाकर सेटल होना शुरू कर दिया। फिर आते हैं सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल फैक्टर में क्या आ जाता है? सोशल फैक्टर में आ जाता है हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़। यहाँ पे बेटर हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का पुणे शहर हो गया, तो वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। सेकंड आते हैं कल्चरल, जो कल्चरल प्लेसेस होती हैं, रिलीजियस प्लेसेस होती है, कल्चरली सिग्निफिकेंट होती है, वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं। फॉर एग्जांपल वाराणसी हो गया, जेरूसलम हो गया, वाटिकन सिटी हो गया। फिर आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाती है इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इसीलिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंडस्ट्रियल एरियाज में जाकर सेटल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जापान में ओसाका हो गया, इंडिया में मुंबई हो गया, ये दो शहर जो है वो वर्ल्ड के डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे पॉपुलेशन चेंज से, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।